बेटा है राय हल्दी दाना रिटेल, हम सर से जरूर मिले। बिजनौर वाले की शायद पहली दुकान है तो ये एक बहुत बड़ी खुश, ठीक है पहले बिजनौर सर। ये लग्जरी बिल्डिंग ये वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर भी बन रहा है। उन्होंने इतनी कामयाबी की है ये कितने साल, तो जितना इतना ये इतना डेवलपमेंट मेहनत है और मेहनत आदमी को करनी चाहिए, रात दिन मेहनत करके अभी तो टाइम पास कर ही रहे हो भाई इतना कुछ। हमारा बहुत पॉपुलर जो मैं एक चीज देख रहा हूँ, हमारे दिमाग से खेलते हैं और बिजनौर जो, और इन्होंने अपना यू अपना एक इसके लिए मैं थोड़ा सा मुझे लगता है कि हाँ यार वाकई में ये चीज़। तो जब भी आप कभी कुवैत आए जो भी मेरे और सारी सिटी का लगा दिया, ठीक है नजीब आ कर सक्सेसफुली आप ही लगे आगे गल्फ जैसे कंट्री में कुवैत के अंदर चले। कोई की बात नहीं करें तो मुझे सर मैं तो बिल्कुल आपका उसकी वजह ये है कि करता हूँ उसकी वजह ये है कि यहाँ पे इंडिया आते हैं, इंडिया आने के बाद क्या सोचते हैं नॉर्मली हमारे जैन में ये सुबह 8 बजे से 8 बजे तक का टाइम है, उसके बाद अपनी जिंदगी यही, और वो भी स्पेशली कुवैत जो दौलत का शहर है ठीक है। कॉन्टेक्ट दिस गाय अच्छी हुई आशीष सर आप मिले मुझे, और एक बार सर के लिए सलूट। फाइनली हम लोग तो फाइनली मैं आ गया कुवैत सिटी में, बस मुझे थोड़ा सा कुछ काम है और मिलना है एक भैया से तो उनका वेट कर रहा हूँ। सच अ ब्यूटीफुल कंट्री बताया देख रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार है नजारा कुवैत सिटी, एक बार और वेलकम टू द कुवैत सिटी। भाई सच में दिल आ गया, भाई दिल आ गया, दिल आ गया, दिल आ गया, दिल आ गया, दिल आ गया। तो एक नज़ारा दिखाता हूँ जहाँ पे मैं आया हूँ, एक आते ही हमें दी एक पानी की बोतल ऑफर, और ये अरबी बोलते हैं शीशा, हुक्के की मार्केट है उसमें हुक्का वगैरह। ये से पहुँच गए बुड्ढी बाजार और हमारे एक सीनियर मिले हमें जो बिजनौर के हैं और जो संपादक हैं न्यूज़ चैनल के, तो मैं आपको उनको मिलाना चाहता हूँ बिजनौर एक्सप्रेस के, जो मैं आपसे मिल। ये हमारे सीनियर सर आसिफ जी, और इन्होंने अभी नई नई शॉप खोली है, ये अभी स्टार्टिंग इन्होंने यहाँ से एक शॉप की है। तो जो कोई भी बिजनौर के हो या जो भी कोई वीडियो देख रहे हैं बुड्ढी मार्केट आए राय हल्दी दाना रिटेल एंड शॉप मोबाइल शॉप ज़रूर आए, ठीक है बिल्कुल अभी नई ओपनिंग की है। तो हमारे आसिफ सर ये रहे, तो आसिफ सर आप कितने टाइम से हो यहाँ? मैं भी 18 साल हो गए। तो ये 18 साल हो गए, मैं 18 साल हो गए और भी मिलाता हूँ क्या क्या 18 साल में। तो कुछ नई दुकान खुली है, ये इनकी नई शॉप है, तो पूछते हैं भैया से हम। तो फाइनली जो आपने शॉप वॉप खोली है तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें सारी चीज़ें रहेगी, जैसे हमारा मोस्टली जो मेरा फोकस है वो है आईफोन वगैरह सैमसंग वगैरह टोटल एक्सेसरीज है। और नियरली जो बुड्ढी मार्केट है, जब भी आप कभी आए बिजनौर से आए तो प्लीज हमारे सर से जरूर मिले। बिजनौर वाले की शायद पहली दुकान है कुवैत के अंदर, तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो हमें आसिफ सर ने बताई, ये पहली बिजनौरियों की शॉप है, ठीक है पहली बिजनौरिया जो हमारे ये सर हैं इनकी पहली शॉप है। एक चीज और दिखाता हूँ, वो शायद पहला ही बिजनौरी का है कुवैत के अंदर जो थोड़ी देर में आपको दिखाएगा। चलिए सच अ ब्यूटीफुल शॉप, ठीक है नियरली बाई बुड्ढी मार्केट, जब भी आप आए ठीक है, या इस साइड से पार्किंग एरिया से आए या मार्केट के एरिया से आए, और ये आपको ये शॉप मिलेगी, ठीक है राया अल्दाना रिटेल ऑफ मोबाइल फ़ोन, ठीक है। तो ये आसिफ भाई हमारे ज़रूर आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हुए हैं और साथ में इनका एक चैनल भी है, और ये न्यूज़ एंकर वगैरह जो अपने इनका खुद का न्यूज़ चैनल है वो भी बताएंगे, उनके बारे में पूछेंगे। सो चलते हैं उनके साथ। तो आसिफ भाई कहाँ ले जा रहे हो आप? होटल पर चल रहा है। अच्छा ये अपने होटल में लेके जा रहे हैं, छुपा रास्ता में आए देख रहे हो, ये कुछ इस तरह से एरिया है। आई इधर है पीछे की साइड में हमारे
जो हमारे बैक मार्केट है, पूरी हेरिटेज मार्केट है पीछे के साइड जो बताई थी, ये हमारा इधर पार्किंग एरिया है। और ये तो आप ये बता रहे हैं कि ये टोटल पार्किंग एरिया है और लग्जरी, ये लग्जरी बिल्डिंग, ये वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर ये बन रहा है सुप्रीम कोर्ट कुवैत का, ये सुप्रीम कोर्ट बन रहा है कुवैत का, ठीक है, जो मोस्ट पॉपुलर है यहाँ पे कुवैत में और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट सुप्रीम कोर्ट। जो बुड्डी मार्केट है जहाँ पे हमारे आसिफ सर की नियरली शॉप है, ठीक है, हार्टेज मार्केट है उसके पीछे, ये लग्जरी बिल्डिंग और ये पार्किंग एरिया, और अब आगे चल रहे हैं हम, मोस्ट चीज़ दिखाता हूँ मैं जो मोहम्मद आसिफ सर ने बनाई है। ये उनका एक होटल है यहाँ पे, स्ट्रीट है थोड़ा सा, ये देखो एक नज़ारा, तो फुटबॉल मैच भी चल रहा है। ये टोटल होटल जो भी है टोटल ये आसिफ सर का है, यहाँ से एरिया, और कुछ मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ किस तरह से इन्होंने, कितना एक्सपेंसिव है। ये कुछ मैच चल रहा है फीफा, और ये आसिफ सर का है। ओके ओके पार्टीज। सो हमारे बिजनौरा के और जो न्यूज़ चैनल के संपादक और खुद का चैनल है जिनका न्यूज़ चैनल का बिजनौर के, इनका ये ऑफिस, और हमारे आसिफ सर। तो आसिफ सर दो शब्द तो बताएं, ये जो आपने इतनी कामयाबी की है ये कितने साल में की है? नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे माशाल्लाह बिजनौर के लड़के और बहुत तरक्की किए करे हुए यहाँ पे, चल रहा है, और भी जो लड़के बहुत है, जैसे 10-12 नाम है, किसके नाम बता। आसिफ सर मोस्टली कितने साल हो गए आपके? मोस्टली मुझे 2005 में आया था मैं यहाँ, 2005 दिसंबर में, और अभी लगभग 2022 है, 17 साल हो गए। तो ये जो जितना इतना ये इतना डेवलपमेंट बिजनेस और आपका सक्सेस बिजनेस है, ये आपने अकेले ने किया? हाँ ये मेहनत का, मेहनत करनी चाहिए आदमी, और ये अपनी सक्सेस का राज नहीं बताना चाहते, ये इनकी स्माइल बया कर रही है। मेहनत है और मेहनत आदमी को करनी चाहिए, रात दिन मेहनत करके। आप जिस बिल्डिंग में बैठा हूँ उसका भी हारिश बोलते जिम्मेदार में, दूसरी बिल्डिंग है उसका भी हारिश। ये छोटा सा इनका, छोटा नहीं है भाई, एक्सपेंसिव। कुवैत के अंदर कहते हैं कि कुर्सी की जगह मिले तो बहुत बड़ी बात होती है, सही बात। कुवैत में लोग रहते हो समझते, और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पास हो रहा है, लेकिन इसके लिए मेहनत करी है, मेहनत करनी पड़ती है। अब तो टाइम पास कर ही रहे हो भाई, इतना कुछ। हमारे बहुत पॉपुलर यूट्यूबर है तो आए आज मिलने के लिए, तो थैंक यू सो मच, ग्रेट का वेलकम करते हैं कुवैत के अंदर, कुवैत के अंदर आए। तो कुल मिला के बात ये है कि जो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ हमारे यहाँ बिजनौर में, क्या इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया में हमारे ज़्यादातर गुजराती हैं जो बिजनेसमैन है, डेवलपमेंट जो दिमाग से खेलते हैं, और बिजनौर जो हमारे बिजनौर अभी जो बिजनौर के ये वो हैं गुजराती में बोलते हैं बिजनेसमैन दिमाग से चलते, ये हमारे आसिफ सर। और कंडी इन्फॉर्मेशन फॉर यू, और इन्होंने अपना अपना एक बिजनौर के अंदर सक्सेसफुली अपना टीवी शो टीवी चैनल चला रहे हैं। एक लोग कहते हैं ज़्यादा यार कि आप कुवैत बैठ के न्यूज़ चैनल चलाते हो, बिजनौर के अंदर ये एक चीज़ है, इसके लिए मैं थोड़ा सा मुझे खुद लगता है कि हाँ यार वाकई में मैं ये चीज़ कुछ कर रहा हूँ कि कुवैत के अंदर बैठ के, बिजनौर के अंदर हमारा जो बिजनौर का सबसे मोस्ट पॉपुलर चैनल है बिजनौर एक्सप्रेस, एक नंबर पर चलता है हर जगह पर, हर प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, हम प्ले स्टोर से लेके वेबसाइट ट्विटर, पहला एक ऐसा चैनल है जो हर प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, और बाकायदा हमने कंपनी रजिस्ट्रेशन कराई हुई है, ऐसा ही नहीं है कि खोल के बैठ गए। तो उस पर एक थोड़ा सा मैं प्राउड फील करता हूँ कि आप कुवैत के अंदर बैठ के हमने जो है कुवैत के अंदर एक चैनल चला रहा है जो एक सबसे ऊपर है, इतने बड़े 50 चैनल होने के बाद जी, 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 जी। तो वो एक प्राउड फील होता है। हमारी जो टीम है माशाल्लाह बहुत बेहतरीन टीम है और अच्छा काम करती है, अच्छा वर्क करती है, तो लोग बोलते भी कि यार क्या कर रहे हो आप कुवैत में, यहाँ हो यहाँ करो मेहनत। तो जब भी आप कभी कुवैत आएँ, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं और स्पेशली बिजनौर से आएँ, प्लीज़ मीट हर दिस गाय और आशीद नजीब अब, ठीक है, सर ने अपना नाम भी बता दिया और साथ ही सिटी का भी लगा दिया, ठीक है, नजीबाबाद का नाम भी बता दिया। मेरा नाम यही है आशीद नजीबाबाद, एक हमारे नजीबाबाद में सुल्ताना कुवैत में मीट दिस गाय, और भी है नहीं, मुझे तो सक्सेसफुली नहीं 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 मुझे तो सक्सेसफुली आप ही लगे, आगे मैं उनसे मिलूंगा तो मैं उनको देखूंगा समझूंगा, बट अभी मुझे जो भाई सीरियस आपने भी देखा मैंने भी देखा, मैं क्या झूठ बोलूं,
झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं वीडियो आपके सामने ही है। इतना बड़ा बिजनेस डेवलपमेंट वो भी इतनी गल्फ जैसी कंट्री में कुवैत के अंदर जिसमें ये एक चीज होती है। किंग ऑफ कुवैत बोलते हैं जहां दौलत का शहर बोल सकता हूं। वाहवा ढावा एक ऐसा काम है कि आप पूरा अरब के अंदर घूमोगे तो किसी इंडियन का नहीं मिलेगा आपको। कुवैत की बात नहीं करिए, कुवैत तो मुझे मालूम है कुवैत में तो होगा ही नहीं। पूरा अरब की मैं आपको बात कर सकता हूं। अगर आप पूरा अरब में टॉर्च लेकर घूमोगे तो इंडियन का काम है सर। मैं तो बिल्कुल आपको उसकी वजह ये है सैल्यूट करता हूं। जो भी मेरी हॉलीडे लगेगी या मैं कल आऊंगा जब भी अच्छे से सिटी को एक्सप्लोर करूँ। ये कोई एक्सप्लोरिंग नहीं की बट थोड़ा सा मेरा काम था जो सिटी में जाना था मुझे, बुड्ढी मार्केट को मैं घूम के आया हूँ ठीक है। और अरशद भाई से भी बहुत अच्छे बंदे थे, जेन्युइन बंदे थे जिन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया और अपना बिजनेस दिखाया ठीक है, सक्सेस बैंक, और उन्होंने बहुत अच्छा स्वागत किया। उनके लिए भी एक बार थैंक यू सो मच। तो चलते हैं हम रूम पे, टाइम हो गया लगभग 4:00, टाइम हो गया अपना 4:22 ठीक है। सो लेट्स गो।